2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के फिर से एक बार प्रधानमंत्री चेहरे पर बात अटक गई है। दरअसल प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार इंडिया गठबंधन पर निशाना साधती रही है और वो ये दावे करती रही है कि इंडिया गठबंधन बिना इंजन का गठबंधन है और इस गठबंधन के पास कोई चेहरा ही नहीं है। अब इंडिया गठबंधन इस पूरे मामले को लेकर के कई बैठकें करता हुआ नजर आ सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर के दलित चेहरे पर सभी की नज़रें टिकी हुई है और अब ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का जो नाम सामने आया था, क्या उस नाम के बाद मायावती के चेहरे पर सभी की सहमति जो है वो देखने को मिल सकती है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के अब तक अगर देखा जाए तो कोई भी बड़े तौर पर इस तरीके की पहल नज़र नहीं आती है, लेकिन मायावती वो चेहरा है जिसको लेकर के राजनीतिक विश्लेषकों का भी ये मानना है कि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जनता मायावती के चेहरे पर भरोसा जता सकती है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की छवि दलित विरोधी है और अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास ये बड़ा मौका है कि वो मायावती को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में आगे करते हुए कहीं ना कहीं उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर अब तक देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर के न तो कोई बड़े कदम उठाए गए हैं और न ही अब तक कोई बड़ा बयान जारी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दावे किए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार पहल जारी है और किसी भी वक्त इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासी तौर पर स्थिति जो है वो पक्ष में बनती हुई नजर आ सकती है। मायावती की अगर रुख की बात करें तो मायावती ने अब तक इस पूरे चुनाव को लेकर जो अपने पक्ष को रखा है उससे ये साफ जाहिर होता है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति में कई मर्तबा कई सारी बातें अप्रत्याशित रूप से होती है और इसी बात को लेकर लगातार ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।